हेलो एवरीवन, ये है ऑटो कैड क्लास 2 और यहाँ पे आज हम ये बेसिक सी ड्राइंग बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये सर्कल बना लेते हैं जिसका रेडियस है 30। तो सी एंटर, कहीं पर भी क्लिक करो, क्लिक करो ड्रैग माउस और पुट रेडियस 30। ठीक है, उसके बाद आपका ये आपको लेना है पॉलीगन। पॉलीगन में पूछ रहा है सबसे पहले कितनी साइड्स लेनी है, तो साइड्स इसमें 6 है जो सर्कल के अंदर, ये वाली जो शेप है। तो 6 एंटर किया हमने और ये सेंटर पूछ रहा है, तो सेंटर यहाँ से। अब देखिए दो ऑप्शन पूछ रहा है, इंस्क्राइब और सर्क्यूमस्क्राइब। तो ये जो इसमें जो 20 रेडियस दी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो 20 रेडियस दी हुई है ये कहाँ से दी हुई है, इसके एजेस से। तो अगर हम ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये लेता है कॉर्नर पॉइंट से, ठीक है। अगर हम दूसरा वाला लेते हैं 6 ऑप्शन, तो वो जिस तरह से इसमें डायमेंशन दी है उस तरीके से लेगा, ये देखिए। और ये है 20 एंटर, ठीक है। अब जो सेकंड सर्कल है वो 129 डिस्टेंस पे है, तो हम सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे इसके सेंटर से 129 एंटर, ठीक है। फिर सर्कल लेंगे हम, सर्कल कितना है आपका 20 रेडियस का, 20। फिर हम लेंगे दोबारा से पॉलीगन, पीओ से भी आप टाइप करके पॉलीगन ले सकते हो, और नंबर ऑफ साइड है यहाँ पे 5 एंटर। फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब ये पहले वाला ऑप्शन लेना है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 15 जो उसकी रेडियस दी हुई है ये कॉर्नर से दी हुई है, तो ये है आपका 15, ये आपके दो शेप्स बन गई। इसकी जो विड्थ है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो आपका विड्थ है ये 120 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑफसेट लेंगे 20 का, तो यहाँ पे ओ एंटर 20 एंड सॉरी 10 का ऑफसेट लेंगे क्योंकि हमें सेंटर लाइन हमारे पास है, तो हम इसके ऊपर और नीचे ऑफसेट करेंगे, ये हो गया, ठीक है। फिर टी आर सिंगल एंटर, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर, जिससे ये एजेस हम ट्रिम कर सकें इस तरीके से, ठीक है। ये हो चुका है। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक बी 10 का आपका एक होल है 10 का, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन का ऑफसेट मारेंगे 5 5 पे सेंटर वाली लाइन का, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद ये जो डिस्टेंस है वो 70 की है, तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन खींच लेता हूँ सेंटर में और इसको ऑफसेट मारता हूँ 35, जिससे हमें 70 का एक मार्किंग मिल जाए, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो इसका जो विड्थ है वो 10 है, इसका मतलब जो सर्कल है इसकी जो ये जो राउंड शेप है यहाँ पे, ये सर्कल हाफ सर्कल जो है इसका जो डाया है वो 10 है। तो मैं क्या करता हूँ, एक सी से सर्कल लेता हूँ डाउन की दिखा के 2P, और मैं एक इसके जो सेंटर वाला यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ मैं, इसका जो रेडियस है वो 10 है, 5 है, तो 5 एंटर करता हूँ, तो ये हो गया। सॉरी, इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। मैं ऑफसेट मारता हूँ क्योंकि इसका जो डायामीटर है वो है आपका 10, तो मैं ऑफसेट मारता हूँ एक 10 का और इस लाइन का 10 पे यहाँ ऑफसेट ले लेता हूँ। अब सिंपल सा सी एंटर डाउन की 2P, एक पी यहाँ पे होगा, दूसरा पी आपका यहाँ पे होगा, सिंपल यहाँ पे सर्कल डाउन की 2P, एक पी यहाँ पे और दूसरा पी, ठीक है। अब जो भी एक्स्ट्रा लाइन उनको अरेज कर दो, ठीक है, और टी आर डबल एंटर से ट्रिम, ठीक है। अब यहाँ पर भी ट्रिम होगा और इसको अरेज कर देते हैं जो भी एक्स्ट्रा लाइन है, तो ये शेप बन चुकी है। अब इसकी डायमेंशंस को हम मेजर कर लेते हैं, लीनियर डायमेंशंस। सबसे पहले हम ले लेते हैं आपका यहाँ पे रेडियस 30, 20, ठीक है, और क्या है आपका इसकी रेडियस 10, डायमेंशंस ले लेते हैं आपका यहाँ से यहाँ तक 129 है, ठीक है। और आप कौन सी डायमेंशन दी हुई है, यहाँ से 70 दी हुई है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक 70, और आपका ये दिया हुआ है 10, और ये दिया हुआ है आपका 20, ठीक है, और आपका ये दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 20, और यहाँ से यहाँ तक तो 50 है ना, इसको तो ये ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप बेसिक ड्राइंग्स को बना सकते हो बड़ा इजीली। तो अगर आपको इस तरह की और वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।